अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सबा आमिर, तो आप देख रहे हैं ब्लॉगर सबा आमिर यूट्यूब चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। 3 पाव हमने चिकन लिया है, 3 से 4 प्याज हैं जो मैंने चॉप्ड कर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसके अलावा 1 चम्मच नमक, बिरयानी मसाला मैंने शान कर लिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, और दादर मिर्च जो है वो मैंने ली है 1 टीस्पून, और 3 से 4 हैं आलू बहारा। 1 चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सिंधी बिरयानी किस तरह से बनाती हूँ। फ्लेम आप ऑन कर लें, और अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 कप। गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड प्याज। ये 3 से 4 मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे मिक्स करूँगी। जी, तो अब हम डालेंगे इसमें चिकन। सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भूनना है, उसके बाद हमने चिकन शामिल करना है। और जब इसका कलर वाइट हो जाएगा चिकन का, तब तक हमने इसको पकाना है। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, ताकि चिकन की जो खुशबू है वो अच्छी आए, अच्छे से आए। 100% हमने गोश्त को गला लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, अब इसमें ऐड करेंगे शान का मसाला, बिरयानी मसाला, साथ में जाएगा नमक और क्रश की हुई लाल मिर्च और ग्रीन चिली, और साथ ही में जाएंगे आलू बहारा। सारे मसाले ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। ऐड कर रही हूँ हल्दी। सारे मसाले आपने डाल के इसको मिक्स करना है, और 5 मिनट के लिए आपने पकाना है, फिर हमारा चिकन रेडी है। अब दूसरी तरफ हम रखेंगे चावलों का पानी। अच्छा जी, तो हमारा चिकन रेडी हो गया है, और इस पे ऑयल भी आ गया अच्छे से। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, और ये इसकी फाइनल लुक है। अब ऑयल आ गया है, अब मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, बादियान के फूल और दालचीनी का 1 पीस मैंने ऐड किया है। खुशबू के लिए मैंने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, ताकि जो चावलों में खुशबू है वो अच्छे से आ जाएगी। 1 चम्मच हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, ताकि चावल जो हैं आपस में जुड़े ना और खिले खिले बने। इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। 1 कनी रख के आपने इसको बॉईल देना है। एक चम्मच ही मैंने इसमें डाला है नमक। चावलों में 1 कनी रखी है मैंने, और अब मैं इसको छानती हूँ यानी थार लेती हूँ। थोड़े से हमने चावल नीचे रहने दिए हैं, और नीचे ऑयल डालेंगे ताकि चावल लगे ना। अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे। देखते हैं हम ऊपर चावलों की लगाएंगे, अब एक तय हम चिकन की लगाएंगे। अब एंड पे हम चावलों की तय लगाएंगे एक। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा आप ऊपर छिड़क दें। 5
मिनट के लिए अब आप इसको दम पे दे दें। धनिया ऐड करें ऊपर। अच्छा जी, तो हमारी बिरयानी रेडी है, बन चुकी है और अब मैंने इसको प्लेट में डाल लिया है। देखें कितनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।